नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सबका राग परिचय में। हम आगे बढ़ते हैं कल्याण फैमिली के साथ ही। इस बार बात करेंगे राग श्याम कल्याण की। मेरे सबसे फेवरेट रागों में से श्याम कल्याण है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि श्याम कल्याण में ऐसा कोई गाना मुझे नहीं मिला कि जो सर्वपरिचित हो और उसका रेफरेंस लेके हम आगे बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं राग ही की बात से। पिछली बार जब हम कामोद की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कामोद तीन रागों का संयुग बना हुआ है, मिश्रण नहीं है, संयुग है। तीनों राग ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो अलग अलग नहीं किए जा सकते। कामोद में मल्हार थोड़ा सा अंश था, हमीर का थोड़ा सा अंश था और कल्याण तो था ही। श्याम कल्याण भी ऐसे ही राग हैं। श्याम कल्याण लेके आता है एक अंश कामोद का, कामोद का एक हिस्सा श्याम कल्याण में है। श्याम कल्याण में दूसरा हिस्सा है शुद्ध सारंग का और तीसरा कल्याण, कल्याण का अंश तो है ही। तो देखते हैं कि ये तीनों कैसे मिल जाते हैं। फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ये जोड़ राग नहीं कह सकते इसको हम, ये पूरा संयुग है, मिश्रण नहीं है। दिस इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। तो तीन राग तो है ही लेकिन वो इतने घुल मिल गए हैं कि अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो चलते हैं श्याम कल्याण की तरफ। शुरू करते हैं शुद्ध सारंग से। शुद्ध सारंग क्या है? सारंग है जिसमें तीव्र मध्यम का उपयोग हो रहा है वो श्याम कल्याण लेके निकलता है और ये शुरुआत श्याम कल्याण की हो जाती है। फर्क ये होगा कि ये सारंग जैसे ये नहीं करेगा। ये जो मारे सा है वो कल्याण की तरह से आएगा। और फिर ये शुद्ध गंधार लेके आता है। सारे मामा पगा, ये पगा कल्याण वाचक बहुत सुंदर लगता है। पगा और फिर गामा रेसा जो हमने काफी कल्याण के रागों में देखा हुआ है। सारे रे, ये रे ऋषभ हमेशा मध्यम को लेकर आएगा। सारे रे मा मा प प ग ग म रे। रे म म ग म रे, ये भी होगा, कल्याण का पार्ट तो है ही।
आगे बढ़ेंगे पंचम की तरफ, पंचम पे न्यास होगा। और फिर रे म प दैवत की तरफ जाएंगे उत्तरांग में, कल्याण की तरह दैवत भी लगेगा कल्याण की तरह, लेकिन रे म ध प होगा। रे म और फिर प ग है, और फिर ऊपर रे म प नी नी, ये भी सारंगी ऊपर जा रहा है कल्याण के हिसाब से भी। और चर्च की तरफ जाने का रास्ता नॉर्मली यही होगा रे मा पानी सा, और कल्याण वाला दूसरा रास्ता भी है। तो इस तरह से शुद्ध सारंग कल्याण दोनों दिख रहे हैं, तो कामोद कहाँ है? कामोद है ये भी किया जाता है, हमने देखा था कि गम अप गम रे सा, ये कामोद का एकदम कामोद वाचक है, वो हिस्सा यहाँ पे आता है। और फिर अवरोह में नीचे पंचम से नीचे उतरते हुए कई बार ये भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बड़ी खूबसूरती से शुद्ध सारंग कल्याण, शुद्ध सारंग में भी तो कल्याण है ही, शुद्ध सारंग कल्याण और कामोद तीनों का एक पूरा घुला मिला संयोग बन के श्याम कल्याण सामने आता है, श्याम ही का राग है। अब जब हमेशा की तरह पूरी रेंज में इसको देखेंगे तो इसका धुन स्वरूप सामने आ जाएगा।
तो यह है श्याम कल्याण। एक बंदिश सुनते हैं, बल्कि तराना है एक ताल में निबद्ध। तो ये रहा बहुत ही प्यारा श्याम कल्याण। अगले हफ्ते कल्याण फैमिली का आखिरी मेंबर राग मारू बिहाग देखेंगे।